अध्यात्म मार्ग पर चलने वालों के लिए ये चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। और सच मानो एक थोड़ा सा जामन, इतना सा जामन 5 किलो दूध को दही में बदल सकता है, तो अध्यात्म के द्वारा बदले हुए तुम जिस परिवार में रहोगे उसको नहीं बदल सकते। जिस समाज में तुम रह रहे हो उस समाज को नहीं बदलेगा समाज, क्योंकि जामन उसमें दिया गया, मिला जैसे ही। इट विल टेक टाइम, यस, धैर्य तो होना चाहिए। हर आधे घंटे में आप ढक्कन खोलो और दही जमा की नहीं, दही जमा की नहीं, दही जमा की नहीं, तो नहीं जमेगा। इट विल टेक टाइम, और तुम्हारे में धैर्य होना चाहिए। तो थोड़ा सा जामन 5 किलो दूध को दही बना देता है। खटाई पड़ती है दूध में, दूध बिगड़ जाता है। दूध में थोड़ी सी शक्कर मिल जाती है, मिश्री मिल जाती है, और दूध की मधुरता बढ़ जाती है। यार मिश्री ये काम कर सकती है, नमक ये काम कर सकता है, खटाई ये काम कर सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बिगाड़ना या बनाना। तो तुम्हारी वृत्ति भी काम करती है, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज में तुम बिगाड़ रहे हो कि तुम बना रहे हो। तुम खटाई बन करके दूध और पानी को अलग कर देते हो। बिलग होई रस जाए कपट खटाई परत पुनी, नहीं तो जल पाए सरिस बिकाए, देखहु प्रीति की रीति भली। तुलसीदास जी कहते हैं जल पाए सरिस बिकाए, पानी दूध मिल जाते हैं तो पानी भी दूध के मोल बिकता है, दूध के भाव। जल पय सरिस बिकाई देखहु प्रीति की रीति भली, ये प्रीति की रीति देखो कि दोनों जब एक रूप हो गए तो पानी की कीमत भी दूध की कीमत के बराबर हो गई। लेकिन उसमें बिलग होई रस जाय कपट खटाई परत पुनी, जैसे कपट की खटाई उसमें पड़ गई, दूध दूध न रहेगा, पानी पानी, अलग हो जाएंगे दोनों, लेकिन दोनों की फिर कोई कीमत न रहेगी। वो वाला पानी कौन पिएगा कि फट गया दूध। लोग होशियार है, उसमें से भी कुछ ना कुछ आइटम बना लेते हैं। किसी की बिगड़ी तो उस बिगड़ी से भी अपनी बना लेने वाले लोग हैं। लेकिन दूध दूध न रहा, पानी पानी न रहा, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम।